नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करेंगे जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का सेकंड मुकाबला होने वाला है उसके बारे में, ड्रीम इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट टीम न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे दोस्तों हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम के बारे में। दोस्तों जो बिग बैश लीग का पहला मैच होने वाला है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वीडियो देख सकते हो चैनल पर जाकर। और जो इसका पहला मैच होगा दोस्तों इसकी वीडियो अपलोड नहीं करूँगा दोस्तों, इसकी टीम का डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। क्योंकि टॉस के बाद जो भी अपडेट आती है दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराता हूं, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। जो वीडियो आई है बीबीएल के पहले मैच की वो देखकर आप दोस्तों यहां से 100 रुपीज कैश बोनस भी जीत सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं यहां से ग्राउंड स्टेटस के बारे में। सबसे पहले बात करें मैच का होने वाला, आप यहां से देख सकते हो जहूरी अहमद स्टेडियम में मैच होने वाला है जो कि चटगांव में दोस्तों। एक एवरेज स्कोरिंग विकेट है, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर कम ग्राउंड है तो आपके लिए लगभग औसतन एक ग्राउंड में 10-10, 12-12 मैच होते हुए नजर आ जाएंगे। बात करें यहाँ पर फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर के बारे में, 145 रन रहा है। वहीं सेकंड इनिंग से एवरेज स्कोर आप देख सकते हो 128 रन यहाँ पर रहा है। यदि हाईएस्ट टोटल के बारे में बात की जाए तो 196 रन रहा है। वहीं लोएस्ट टोटल मात्र 39 रन यहाँ पर रहा है। यदि हाईएस्ट चेस के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हो 190 रन यहाँ पर हाईएस्ट चेस हुआ है। वहीं लोएस्ट डिफेंड आप देख सकते हो 141 यहाँ पर लोएस्ट डिफेंड रहा है। चलिए बात करते हैं हेड टू हेड। हेड टू हेड यदि लास्ट 5 मैचों के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हो से चटगांव ने आपके लिए 2 मैच विन करके दिए हैं। भाई बात करें थंडर ने आपके लिए यहां से 3 मैच विन कर दिए। यदि लास्ट मैच के बारे में बात की जाए तो कि दोस्तों इसी सीजन में हुआ था तो आप उसमें देख सकते हो यहां से इन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 162 रन बनाए थे, उसे दोस्तों इजिली चेस कर लिया था। यहाँ चटगांव चैलेंजर्स ने आप देख सकते हो मोहम्मद मिथुन ने शानदार 84 रन बनाए थे। जॉनसन चार्ल्स ने आपके लिए 35 बना कर दिया था। रूबल हुसैन ने 2 विकेट चटकाए थे और नसीम अहमद ने आपके लिए यहाँ से 1 विकेट चटका कर दिया था। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से चैलेंजर्स के बारे में तो आप देख सकते हो इमरुल कीज ने शानदार 61 रन की इनिंग्स खेली थी। चैडविक वॉल्टर ने दोस्तों यहाँ पर 49 रन नाबाद बनाए थे 30 गेंदों में और इस्लाम ने 2 विकेट चटकाए थे। यहाँ से मुश्ताक हुसैन ने 1 विकेट आपके लिए चटका कर दिया था। चलिए बात करते हैं संभावित 11 और बैटिंग ऑर्डर और दोस्तों लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। आप चैडविक वॉल्टर को देख सकते हो दोस्तों, लगातार स्कोर किया है इन्होंने। 3 मैच में लगभग 250 है इनकी, एक में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाया। अब इसका फर्नांडो दोस्तों सेकंड मैच में मौका इन्हें नहीं दिया गया था, लेकिन दोनों मैचों में दोस्तों इन्होंने 33 और 37 रन की इनिंग्स खेलकर आपके लिए दी थी। वहीं इमरुल कीज के बारे में बात करें दोस्तों, लगभग 250 लगा चुके हैं, 44 बना चुके हैं दोस्तों लास्ट मैच में। उससे पहले इनके खिलाफ जो पहला मैच खेला था उसमें 61 रन इन्होंने बनाए थे। वहीं महमूदुल्लाह के बारे में बात करें दोस्तों, लास्ट मैच खेला था उससे पहले 2 मैच इन्होंने मिस किए थे, 15 रन का स्कोर किया था। नंबर 4 पर ये बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और दोस्तों 1 विकेट इन्होंने चटकाया था। पूरे 4 ओवर अपने फेंक कर इन्होंने दिए थे। चलिए बात कर नासिर हुसैन आपके लिए इंपोर्टेंट पिक हो सकता है दोस्तों। यहाँ से रियान बरुल आपके लिए औसतन परफॉर्मेंस कर दे रहा है, ऐसा दोस्तों हाई फाई परफॉर्मेंस कर नहीं दे रहा। लास्ट मैच में 1 विकेट जरूर चटकाया था, बल्लेबाजी इनकी आई नहीं थी। मुकरात अली आपके लिए दोस्तों डेथ ओवर में गेंदबाजी करके दे रहे हैं 1-2 ओवर, उसके अलावा बल्लेबाजी थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। कैसेक विलियम्स हैं, रूबल हुसैन आपके लिए दोस्तों आप देख सकते हो पहले मैच में इन्होंने 2 विकेट चटकाए, सेकंड मैच में इन्हें कोई विकेट नहीं मिला और दोस्तों इसके बाद जो लास्ट मैच हुआ था उसमें 1 विकेट चटकाया था। यहाँ से लास्ट मैच में राणा को मौका दिया गया तो आप यहाँ से देख सकते हो 1 विकेट इन्होंने चटका कर दिया था। चलिए बात करते हैं यहाँ थंडर्स के बारे में। तल्लुकदार दोस्तों एक बहुत शानदार बल्लेबाज है, लेकिन अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दे पा रहा है, लेकिन बहुत शानदार बल्लेबाज है, आप इन टीम में ट्राई कर सकते हो। जॉनसन चार्ल्स ने 35 रन की इनिंग्स खेल कर दी थी अपने पहले ही मैच में, लेकिन दोस्तों उसके बाद ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। मोहम्मद मिथुन आप देख सकते हो 84 रन की इनिंग्स खेल कर दी थी अपने पहले ही मैच में, उसके बाद 20 रन बनाया दोस्तों, उसके बाद 8 रन, मतलब पहले मैच के बाद ज़्यादा परफॉर्मेंस ये 2 मैच में कर नहीं दी। सफीकुल्ला सफीक आपके लिए खेलती हुई नजर आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ से मुश्ताक हुसैन आपके लिए इंपोर्टेंट पिक यहाँ से हो सकती है, आप मुश्ताक हुसैन को ट्राई कर सकते हो। यहाँ से लास्ट में 60 रन 1 विकेट चटकाया दोस्तों, उससे पहले भी ये विकेट निकाल कर दे रहे हैं तो आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। यहाँ से दोस्तों मिलन आपके लिए शायद खेलती हुई नजर आ जाए और इंपोर्टेंट प्लेयर देख लेते हैं दोस्तों अब हम इनके बारे में। तो इबादत हुसैन लगातार 3 मैचों में 1-1 विकेट इन्होंने चटका कर दिया, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। नईम को आपके लगातार पिछले 2 मैचों में 2 विकेट चटका कर दिए हैं तो आप यहाँ से इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। जबकि संटोकी के बारे में बात करें दोस्तों, पहले मैच में ही सिर्फ इन्हें 1 विकेट मिला था, उसके बाद दोनों मैचों में कोई इन्हें विकेट नहीं मिला। चलिए बात करते हैं आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर की फैक्टर आपके लिए कौन कौन साबित हो सकता है। तो आप यहाँ इमरुल कीज हैं, चैडविक वॉल्टन, रूबेल हुसैन और मुकरात अली। आप इमरुल कीज का देख सकते हो दोस्तों 3 मैचों में 170 रन ये बना चुके हैं, एवरेज लगभग 58 का है। चैड वॉल्टन 3 मैचों में ये भी 170 बना चुके हैं दोस्तों, एवरेज इनका भी लगभग दोस्तों 58 का रहा है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से रूबेल हुसैन के बारे में, 3 मैच में 3 विकेट निकाल चुके हैं और 8 की इनकी इकोनॉमी रही है। मुकरात अली आप देख सकते हो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, हालांकि एवरेज परफॉर्मेंस उन्होंने कर दिया है। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से
थंडर्स की ओर से मोहम्मद मिथुन, जॉनसन चार्ल्स, निजामुल इस्लाम और मुशरिक हुसैन। मोहम्मद मिथुन आप देख सकते हो 104 रन बना चुके हैं, 3 इनिंग्स में 157 की इनकी एवरेज है दोस्तों। मुशरिक हुसैन बल्ले से 120 रन के स्कोर कर चुके हैं भाई, गेंदबाजी से भी दोस्तों 2 मैचों में 3 विकेटें चटका चुके हैं। तो आप इनको टीम में अपने ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में कोशिश करना कि ये आपकी टीम में सभी मिले। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ चलिए चर्चा कर लेते हैं दोस्तों जो लेटेस्ट फैंटेसी ऐप है गो सुपर 11, इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए राज123 दोस्तों राज123 कोड डालना है, इससे आपके लिए 101 रुपए का कैश बोनस आ जाएगा। बहुत शानदार एप्लीकेशन है दोस्तों, एक बार जरूर आप इसे ट्राई करिएगा। इसमें दोस्तों आपके लिए एक एक्स्ट्रा फीचर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसकी टीम का आपके लिए मैं डायरेक्ट यहां से फाइनल प्रीव्यू आपके लिए दिखा देता हूं। आप देख सकते हो दोस्तों मोहम्मद मिथुन, चैडविक बोल्टन को मैंने टीम में ट्राई किया है, जॉनसन चार्ल्स, इमरुल कीज, मुशरिक हुसैन, अविष्का फर्नांडो और तल्लुकदार को मैंने टीम में ट्राई किया है। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की तो मैंने यहाँ मोहम्मद उल्लाह को टीम में ट्राई किया है। बॉलिंग सेक्शन की कैसक विलियम्स, इबादत हुसैन और राणा को मैंने टीम में ट्राई किया है। दोस्तों एक्स्ट्रा फीचर इसमें जो एम दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है मैन ऑफ द मैच, कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहने वाला है। दोस्तों जो भी मैन ऑफ द मैच रहता है और आपका आंसर सही हो जाता है तो आपके लिए यहाँ से 10 पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें मिल जाते हैं। तो आप एक बार जरूर से एप्लीकेशन को ट्राई करिएगा, इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। डाउनलोड कर आपके लिए सिंपली राज123 दोस्तों राज123 आपके लिए कोड डालना है, इससे आपके लिए 101 रुपये का कैश बोनस भी आ जाएगा। एक बार आप जरूर से ट्राई कर देखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेंडिंग एप्लीकेशन चल रही माई फेब लेविन, इसके बारे में। इसमें भी आपके लिए राज123 कोड डालना है दोस्तों, डाउनलोड कर तो आपके लिए यहाँ से 50 रुपये कैश बोनस आ जाएगा। और दोस्तों इससे कम एंट्री फीस पूरे मार्केट में आपसे कोई चार्ज नहीं कर सकता, उसका आप एक नमूना यहाँ से देख सकते हो। ये लगभग इसमें 5280 रुपये की, यही आप ड्रीम इलेवन में जाकर ज्वाइन करोगे तो 5750 रुपये की मिलेगी। तो दोस्तों आपके लिए बहुत शानदार ये एप्लीकेशन हो जाती है, आप एक बार जरूर से ट्राई करिएगा। इसकी टीम का आपके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो चैडविक बोल्टन, मोहम्मद मिथुन को मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में ट्राई किया है, इमरुल कीज, अविष्का फर्नांडो, मुशरिक हुसैन, जॉनसन चार्ल्स, तल्लुकदार को मैंने बल्लेबाजी सेक्शन में ट्राई किया है। ऑलराउंडर सेक्शन में मात्र मैंने यहाँ से मोहम्मद उल्लाह को टीम में ट्राई किया है। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ से कैसक विलियम्स हैं, नजर इस्लाम है और दोस्तों इबादत हुसैन को मैंने टीम में ट्राई किया है। दोस्तों कोई चेंजेस करूँगा और कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में चर्चा हमारे दोस्तों जब आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आप तो टेलीग्राम जुड़ जाए, टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बात करें यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की, मोहम्मद मिथुन, चैडविक बोल्टन, शफीक, नरुल हसन आपके लिए चारों ही खेलते हुए नजर आ जाएंगे और शायद फ्लेचर भी यहाँ से आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएं। तो आप यहाँ देख सकते हो 5 ही विकेट कीपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें यहाँ से बेस्ट 2 विकेट कीपर चूज करना है तो दोस्तों मैं यहाँ से मोहम्मद मिथुन और चैडविक बोल्टन को टीम में ट्राई करूंगा। आप चाहो दोस्तों इनमें से भी किसी एक को ट्राई कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से बैटिंग सेक्शन की। यदि बैटिंग सेक्शन की बात की जाए तो क्रिस गेल आपके लिए साथ खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, यहाँ जॉनसन चार्ल्स आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे और ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, तो यहाँ से बिल्कुल मैं डेफिनेटली इन्हें टीम में ट्राई करने वाला हूँ। उसके अलावा लिंडन सिमंस आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो इन्हें टीम में ट्राई नहीं करना है। दोस्तों मुशरिक हुसैन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं। लास्ट मैच में आप देखा होगा 60 रन और 1 विकेट इन्होंने निकाला था, तो आप यहाँ से इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा इमरुल कीज आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, अविष्का फर्नांडो 2 मैचों में मौका दिए गए, 1 में 33 बनाया दोस्तों और 1 में 37 बनाया और काफ़ी रिलायबल आप बल्लेबाज हैं दोस्तों, भरोसेमंद बल्लेबाज हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों आपको डिसाइड करना है यहाँ से आप सचिन तल्लुकदार, रोनी तल्लुकदार को टीम में ट्राई करना चाहते हो या विकेट कीपिंग सेक्शन में से आंद्रे फ्लेचर को टीम में ट्राई करना चाहते हो, वो दोस्तों डिसीजन आपका रहने वाला है, आप किसे लेना चाहते हो किसे नहीं लेना चाहते। मैं यहाँ से दोस्तों यहाँ से रोनी तल्लुकदार को ही टीम में ट्राई करूँगा। चलिए बात करें तो ऑलराउंडर सेक्शन की, ऑलराउंडर सेक्शन में महमूद उल्लाह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। जीवन मेंडिस को मौका नहीं मिलने वाला, इनके बारे में दोस्तों अभी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जो भी न्यूज़ आएगी दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ज़्यादातर इनके चांसेस हैं कि दोस्तों ए मैच खेल सकते हो। उसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से गाजी आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, नईम हुसैन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है दोस्तों। बल्लेबाजी ज़्यादा नहीं करते लेकिन गेंदबाजी अच्छी करते हैं, तो आप यहाँ से नईम हुसैन को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ से रोनी तल्लुकदार की जगह आप चाहो तो नईम हुसैन को भी यहाँ से टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा बात करें नासिर हुसैन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों, इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से। उसके अलावा रियान बरोल भी आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों। इन सबको लेने का एक ही ऑप्शन है, यहाँ से आप बॉल बैटिंग सेक्शन में जाइए, तल्लुकदार को मिस कीजिएगा और आप इन तीनों में से एक किसी को ट्राई कर सकते हो, या तो दोस्तों यहाँ से नईम हुसैन, नासिर हुसैन या दोस्तों यहाँ से रियान बरोल को टीम में ट्राई कर सकते हो, आपके लिए ये ऑप्शन है दोस्तों। चलिए बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की, बॉलिंग सेक्शन की बात करें
रूबेल हसन, इन्होंने 3 मैचों में 3 विकेट निकाले हैं, अच्छी गेंदबाजी की, आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, थोड़ी कैरेट इशू आ जाएगी दोस्तों, मैं यहाँ से यदि इन्हें टीम में ट्राई करूँगा तो मेरे पास, तो मैं यहाँ से इन्हें अवॉइड कर रहा हूँ। उसके अलावा संटोकिन दोस्तों अभी तक कोई विकेट नहीं निकाले, क्वार्टरल आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, पिछले 2 मैच इनके विकेट लेस गए हैं दोस्तों, उससे पहले वाले मैच में 1 विकेट उन्होंने निकाल कर दिया था। हालांकि गेंदबाज अच्छे हैं दोस्तों, डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप यहाँ से इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हैं। कैसेक विलियम्स आपके लिए बेस्ट चॉइस हो जाती है दोस्तों, बिल्कुल डेफिनेटली मैं यहाँ से इन्हें टीम में ट्राई करने वाला हूँ। नवीन अलग को दोस्तों अभी कन्फर्म नहीं है, मौका देंगे या नहीं देंगे, यहाँ इबादत हुसैन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है, लगातार विकेट निकाल के दिए हैं दोस्तों इन्होंने, तो आप यहाँ से इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। रियाद अहमरेड आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे लगभग, मेरा यहाँ तक मानना है। उसके अलावा बात करें यहाँ से दोस्तों, नजीरुल इस्लाम आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाता है। उसके अलावा बात करें दोस्तों आपके लिए यहाँ से ऑप्शंस के बारे में, तो आप यहाँ से देख सकते हो आपके लिए अहमद अच्छा ऑप्शन हो जाता है, आप यहाँ से अहमद को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ दोस्तों नजीरुल इस्लाम को टीम में ट्राई, दोस्तों मैं यहाँ से नजीरुल इस्लाम को टीम में ट्राई करने वाला हूँ। चलिए बात कर लें दोस्तों यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपके लिए मोहम्मद मिथुन शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन्हें एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में ट्राई कर सकते हो। और बात करें दोस्तों यहाँ से चैडविक बोल्टन, ये भी शानदार ऑप्शन है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से मुश्ताक हुसैन ने शानदार परफॉर्मेंस कर दिया है दोस्तों, तो आप इन्हें भी एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। ये तो दोस्तों मेरी प्राइमरी चॉइस रहने वाली है कैप्टन वाइस कैप्टन की। अब सेकेंडरी चॉइस आपके लिए यहाँ से मैं बता देता हूँ, तो वो दोस्तों महमूदुल्लाह, इमरुल कीज़, और दोस्तों मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूँगा यहाँ से, अब इसका फर्नांडो, ये दोस्तों मेरी सेकेंडरी चॉइस रहने वाली है। आप दोस्तों प्राइमरी चॉइस के साथ भी जा सकते हो या सेकेंडरी चॉइस के साथ भी यहाँ से आप जा सकते हो। ग्रैंड लीग में दोस्तों आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन भी रोनी तालुकदार बहुत शानदार ऑप्शन है दोस्तों, बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज है, हालांकि परफॉर्मेंस नहीं कर पाया अभी तक 3 मैचों में, लेकिन बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज है, आप बिल्कुल इन्हें ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हो दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।